गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जितने भी गेम प्ले वाले यूट्यूबर्स हैं ये जोस्टिक को पकड़ के अपने एनिमीज को हेडशॉट मार देते हैं, बट जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले यूट्यूबर्स हैं ये आपको बताते हैं कि जब आपने फायर करना है तो अपने जोस्टिक को टच नहीं करना है, अदरवाइज आपकी गन रिकॉइल करेगी। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम जोस्टिक को पकड़ेंगे तो हमारी गन रिकॉइल करेगी और जब वो पकड़ेंगे तो वो इजिली हेडशॉट मारेंगे। फोर फ्लैग गेमर के गेम प्ले में आपने देखा होगा वो बंदा इजिली जोस्टिक पकड़ के हेडशॉट्स मारता है, उसकी गन कोई भी रिकॉइल वगैरह नहीं करती। तो इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको कुछ पॉइंट्स का एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहला पॉइंट है कि ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप जोस्टिक को पकड़ के ड्रैग करते हो तो आपकी गन रिकॉइल करेगी ही करेगी, बट इन यूट्यूबर्स की गन रिकॉइल नहीं करती है। इसके पीछे तीन रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि ये जितने भी गेम प्ले वाले यूट्यूबर्स हैं ये काफी टाइम पहले से गेम को खेल रहे हैं और ये रोज काफी देर तक गेम को खेलते हैं, इन्होंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है और आज भी करते हैं, और अब ये इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि ये नॉर्मल हेडशॉट्स इजीली मार लेते हैं और ये जोस्टिक को पकड़ के भी इजीली हेडशॉट मार लेते हैं, रिकॉइल को अच्छे से कंट्रोल कर लेते। तो पहला रीजन यही है कि अपनी सेंसिटिविटी और सेटिंग्स के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल है जिससे कि ये इजीली हेडशॉट्स मार लेते हैं जोस्टिक को पकड़। सेकंड रीजन है कि ये सारे यूट्यूबर्स फ्रीस्टाइल गेम प्ले करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा फास्ट खेलते हैं। तो फ्रीस्टाइल गेम प्ले में क्या होता है कि फायर प्लस ग्लूवल ये वाला स्टेप बार-बार फॉलो किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा रहा हूं, ऐसे इस तरीके से ग्लूवल से बाहर निकलते हैं और एनिमी को हेडशॉट मार देते हैं। बट यहां पे मैं ग्लूवल से नॉर्मली बाहर निकला हूं, ग्लूवल से बाहर जंप किया, फायर किया, उसके बाद फिर से ग्लूवल लगा लिया। बट ये जो फ्रीस्टाइल गेम प्ले वाले प्लेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब ये ग्लूवल से बाहर निकलते हैं तो अपनी जोस्टिक को पकड़ लेते हैं जिस भी साइड से बाहर निकलते हैं। जैसे अगर ये राइट साइड से ग्लूवल से बाहर निकलेंगे तो अपनी जोस्टिक को ये राइट साइड को ड्रैग करेंगे और अगर लेफ्ट साइड से निकलेंगे तो जोस्टिक को लेफ्ट साइड को खींच देंगे। इन प्लेयर्स का मानना होता है कि जोस्टिक को पकड़ने से एक्यूरेसी इंक्रीज होती है और हेडशॉट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और जो थर्ड रीजन है वो है डिवाइस। हाई एंड डिवाइस में रिकॉइल वैसे ही बहुत ज्यादा कम होता है और ये जितने भी गेम प्ले वाले यूट्यूबर्स हैं ये स्टार्टिंग में नॉर्मल फोन्स में ही खेला करते थे, बट अभी इनके पास काफी ज्यादा अच्छे फोन आ चुके हैं, बट ये नॉर्मल फोन्स में भी काफी ज्यादा अच्छा खेलते थे जिससे कि अभी ये हाई एंड डिवाइस में और ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या आपको इस ट्रिक का यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैंने इसे यूज करके देखा, मैंने जोस्टिक को पकड़ के रखा, स्विच करके मैंने हेडशॉट मारने का ट्राई किया, कई बार हेडशॉट लग भी गए, कई बार नहीं भी लगे। इस ट्रिक को यूज करने का कोई खास रीजन है नहीं। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस होगा तो फिर तो उसमें रिकॉइल करेगा अगर आप जोस्टिक पकड़ के ट्राई करोगे तो। इन सभी क्लिप्स में मैंने जोस्टिक को पकड़ के हेडशॉट मारे, आप देख सकते हो कि मैंने जोस्टिक को पकड़ के रखा है और उसके बाद ही मैंने ड्रैग किया है और एनिमी को हेडशॉट भी मारा। जोस्टिक को पकड़ के रखने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपका एनिमी आपको हेडशॉट नहीं मार पाएगा। जब आप जोस्टिक को पकड़ के ही रखोगे फायर करने के बाद भी और पहले भी, तो इससे होगा क्या कि आपका कैरेक्टर एक सेकंड के लिए भी स्टिल खड़ा नहीं होगा, आपका हेड मूव करता रहेगा जिससे कि आपका एनिमी आपको हेडशॉट नहीं मार पाएगा। ये स्ट्रिक का सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपका एनिमी आपको हेडशॉट नहीं मार पाएगा अगर आप जोस्टिक को पकड़ के रखते हो तो। और स्टार्टिंग में आपको स्ट्रिक का यूज कुछ इस तरीके से करना चाहिए, जैसे कि आपका एनिमी जिस साइड को भाग रहा है आपने सुपर जंप किया, उसके बाद आपने जोस्टिक को भी उसी साइड को ड्रैग करना है, फायर बटन को भी उसी साइड को ड्रैग करना। जंप करने के बाद आप स्टिक का यूज कर सकते हो, जिस साइड आपका एनिमी जा रहा है आप उसी साइड को जोस्टिक को ड्रैग कर दो, फायर बटन को भी वहां को ड्रैग करो, हेडशॉट लग जाएगा। और जब हम ग्लूवल से बाहर निकल के एनिमी के ऊपर फायर करते हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हो, इससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। स्टार्टिंग में तो आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे बार बार करोगे फिर आपकी एक्यूरेसी सच में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और गाइस नूवोक वाले प्लेयर्स के सामने आप स्टिक का यूज करो, नूवोक वाला प्लेयर करता है कि आपको फायर करने देगा, आप जैसे फायर करोगे आपको हेडशॉट मार देगा। तो आपने क्या करना है, जोस्टिक को पकड़ के ही रखना है, फायर करने के बाद वेपन स्विच भी कर लो बट जोस्टिक को पकड़ के रखो, चलते रहो, इससे वो आपको हेडशॉट नहीं लगा पाएगा क्योंकि आपका कैरेक्टर एक सेकंड के लिए भी स्टिल खड़ा नहीं होगा, आपको हेडशॉट नहीं लगेगा। और जब वो फायर करेगा आप उसके बाद फायर करके हेडशॉट मार देना। नूवोक वाले प्लेयर्स को आप इस ट्रिक का यूज करके परेशान कर सकते हो और धीरे धीरे आप ये आदत डाल सकते हो, जंप करने के बाद आप जोस्टिक को टच करो उसके बाद फायर करो, इससे हेडशॉट लगने के चांस सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और गाइस आपको इस ट्रिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि इसके साथ हेडशॉट मारना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जब आप हार्ड काम करते हो तो आप इजी काम इजीली कर लेते हो। तो अगर आप जोस्टिक को पकड़ के हेडशॉट मारना सीख जाते हो या फिर एक दो हेडशॉट मार लेते हो फिर आप नॉर्मल हेडशॉट्स इजीली मार पाओ। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव ये था कि जब भी प्लेयर्स फोर फ्लैग या फिर अदर किसी क्रिएटर की वीडियो को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये प्लेयर्स जोस्टिक को पकड़ के हेडशॉट्स मार रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जोस्टिक को पकड़ के हेडशॉट्स मार रहे हैं तो ये कोई ट्रिक है, बट ऐसा नहीं है, ये कोई भी ट्रिक नहीं है। जब कोई प्लेयर प्रॉपरली वन टैप हेडशॉट मारना सीख जाता है उसके बाद ही वो जोस्टिक को पकड़ के हेडशॉट मार सकता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।